ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आप सभी को वेद पंडित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल चमकती किस्मत में स्वागत है। दोस्तों हम अपनी हर वीडियो में आप सभी को कुछ ज्ञानवर्धक जानकारियां देते हैं, जिससे कि आप लोग उसको देखें, समझें और अपनी आवश्यकता अनुसार जो जानकारी या उपाय आपको ठीक लगे उसे करें और अपने जीवन को खुशहाल पूर्ण करें। हमारे बताए उपाय अगर व्यक्ति को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारे बताए उपाय करता है तो निश्चित ही इन उपायों से व्यक्ति को लाभ मिलता है। भगवान गणेश और भोलेनाथ जी से आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे जुड़ा हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहे और अपने परिवार के साथ खुशहाली पूर्ण जीवन व्यतीत करे, उसे कभी भी कोई कष्ट ना हो। आज हम आपको ऐसा सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएं और आप पूरे जीवन आनंद में जीवन व्यतीत करें। आपको यह करना है कि महाशिवरात्रि की रात में 10 बजे के बाद आपको यह उपाय करना है। किस प्रकार करना है यह हम आपको बताते हैं। आप शिवरात्रि की शाम को शिवालय से शिवलिंग पर चढ़ी हुई 5 बेलपत्री ले लें। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। अब एक धतूरा भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ले लें। शमी पत्र मिल जाए तो 5 शमी पत्र भी ले लें। हम आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस उपाय का लाभ ले सकें। और दोस्तों वीडियो पूरा अवश्य ही देखें, जिससे हमारे बताए उपाय आप ठीक प्रकार से समझ सकें। अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। आप एक सफ़ेद कोरा कपड़ा ले लें, जिससे कि आप पोटली बना सकें। अब आप बेल के पेड़ की लकड़ी ले लें जो 5 छोटे छोटे टुकड़े में हो, और शिवालय की थोड़ी सी मिट्टी ले लें। गाय के खुर के नीचे की थोड़ी मिट्टी ले लें। 5 पीपल के पत्ते ले लें। पीपल के पत्ते, ध्यान रहे कि पीपल के पत्ते आपको तोड़ने नहीं हैं, गिरे हुए साफ पत्ते ले लें। 5 अरंडी के बीज ले लें। अब आप इन सबको सफ़ेद कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें और आपकी जो भी इच्छा हो वह मन में मांगें और किसी नदी के किनारे जाकर अपने सिर से 3, 5 या 7 बार उतार कर अपनी इच्छा बोलते हुए बहते हुए पानी में बहा दें। आपको मुड़कर पीछे नहीं देखना है। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो जो पोटली आपने बनाई है वह पोटली आप अपने घर में पूजा स्थल में रख दें। यह कार्य अगर आप शिवरात्रि पर नहीं कर पाते हैं तो यह कार्य आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, सावन में भी यह कार्य कर सकते हैं। अब ये तय करेंगे कि अगर आपको कोई इच्छा पूर्ण करनी है तो यह पोटली आप पानी में बहा दें, और अगर नहीं इच्छा है और आप अपने घर में चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करे और हमारे घर को धन धान से पूर्ण कर दे, तो आप इसको अपने पूजा घर में रखें और इसके विधि विधान से रोज पूजा करते रहें। आप पर माँ लक्ष्मी जी मेहरबान हो जाएंगी और कुबेर जी स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी के साथ वास करेंगे। आपके घर में धन दौलत सुख वैभव की कभी भी कमी नहीं रहेगी और आप एक सफल और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल चमकती किस्मत देखते रहिए। धन्यवाद।